जो इंसान देखिएगा भाई। इस टाइम टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं रात के, और मैं अकेला था रूम पे, सिर में हो रहा दर्द। मैं आ गया बाहर घूमने, और अभी मेरे साथ पता क्या हुआ, मेरे हाथ में ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, इसमें थोड़ी सी नीचे नीचे कोल्ड ड्रिंक बच रही थी। मैंने फ़ोन का कैमरा खोलने के चक्कर में फ़ोन को ऐसे घुमा, मतलब दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ा, तो ये मेरी ऐसे हो गई, और मेरी सारी कोल्ड ड्रिंक जितनी बची हुई थी इसमें सब मेरे पैर पे गिर गई। हाँ भाई, अभी भाई यार यहाँ पे ना वो रखे थे डस्टबिन, लेकिन अभी शायद डस्टबिन हटा दिए हैं। हाँ, वरना हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एक इसको बोतल को डस्टबिन में डाल देते, लेकिन अब डस्टबिन हम कोई दिख ही नहीं रहा। कोई नहीं, आगे हैं वहाँ डाल देंगे। डस्टबिन मिल गया भाई मुझे, भाई डस्टबिन में डाल दिया हमने अपना कोल्ड ड्रिंक। अगर हमारी सड़कें साफ सुथरी रहेंगी तो हमें भी साफ सुथरा फील होगा। आज का ज्ञान ख़त्म हुआ, अब मैं कल दूंगा। ये ना भाई, यहाँ पे दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है, अभी यहाँ पे बंद हो जाता है देखो ये, और हमारी पुलिस यहाँ तैनात रहती है, सब पुलिस वाले बैठे हुए हैं। कैमरा कर लेता हूँ मतलब बंद में, कभी ये मुझे एक व्लॉगर का 14 ही बना दे। आ गया हूँ भाई मैं तो वापस घूम के, अब टाइम कितना हो रहा है, अब आ गया भाई मैं तो लौट कर, अब टाइम हो गया 2:25। तो सिर का दर्द अभी भी थोड़ा है, लेकिन अब मैं सो जाऊंगा क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, वरना अब सिर का दर्द और बढ़ जाएगा। लैपटॉप खुला पड़ा था ऐसे ही, लैपटॉप को बंद कर देते हैं। गुड नाइट भाई, सो जाओ तुम, मेरी तो छुट्टी है कल की, तुम्हारा सर में दर्द और ज़्यादा हो जाएगा वरना, जागते रहोगे तुम, जल्दी सो जाया करो। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल भाई, सुबह होगी मेरी। कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है, अभी हमने रूम शिफ्ट किया है तो उसका सामान कुछ पेंडिंग तो वो लेके आया हूँ। गेट खुल गया, गेट ना लगा देते हैं क्योंकि हमें जाना ऊपर फ्लोर पे। भाई मुझे ना इस गेट का मतलब समझ में नहीं आता भाई, मैं तो अबे भाई बाहर में जाओ भाई, ऊपर पहुँचा दो इसको, ठीक है भाई। इस बार ना रूम थोड़ा ना बहुत ज़्यादा ऊपर है, फट गए, सामान तो मैं देख ही रखा है, और ये सामान तो हम अभी थोड़ा उठा रहे हैं, मतलब ये तो थोड़ा है, इससे पहले हमने बहुत चीज़ें शिफ्ट कर ली। बताता हूँ, ऊपर पहुँच जाऊँ, पहुँच गया भाई, थक गया यार। तो मैं नहा लूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होना है, शाम को जाना है या कुछ नहीं, शाम को बताऊँगा वो। कल यहाँ थोड़ी सी चोट लग गई थी, कल ना ये थोड़ी सी चोट लग गई थी यहाँ माथे पे, कोई नहीं, सामान अपना ये थोड़ा बहुत था शिफ्ट हो गया थोड़ा बहुत, बाकी अभी कुछ सामान भी और भी है, धीरे धीरे सारा हो जाएगा। हाँ, नहा लेते हैं भाई। अबे अब तुम जाओ ना भाई, हमें नहा लूँ ना, या मेरे साथ ना हो गया क्या, चलो शावर में दोनों भाई नहाएंगे, अब लोग बोलेंगे सिर्फ भाई क्यों, चाहती हो क्या तुम भी। हो भाई, अब ना गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी लग के रही, गर्मी है भाई, गर्मी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई और इतनी सारी गर्मी पड़ने लगी, बस पूछो मत। अब हम नहा लेते हैं, अब भाई तुम जाओ ना यार, मैं नहा लूँ ना, या मेरे साथ ना हो गया भाई, हाँ अबे जाओ ना। हाँ, नहा धोना तो भाई हो गया,
भाई नहाते ही गर्मी लगने लगी, इतनी गर्मी है। अब तुम ये मत सोचा कि मैं नहाया ही नहीं, वो दूसरी वाली टी शर्ट थी यार, दोनों सेम ही कलर की हैं, तो पता नहीं चलता। डिज़ाइन अलग है वैसे, पता तो चलता ही होगा। थोड़ा सा बाहर जाना है, गेट वगैरह लॉक कर देते हैं, क्योंकि भाई ये है दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की, दिल वालों की तो है पर कभी कभी बिना दिल वाले चोरी करके ले जाए, तो इस मारे बिना दिल वाले चोरी करके ना ले जाए, इसलिए हम गेट बंद कर देते हैं अपना। पता चले हमारा अभी पूरा सामान शिफ्ट भी नहीं हुआ है और हमें पूरा नया सामान लेना पड़ जाए। एक मिनट ना, मैं ना ये कैमरा का रख देता हूँ, एक सेकेंड भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, बस बस आ गया मैं, आ गया। अरे अरे मेरे दो चार लोग तो देखने वाले ही हैं, उन्हें भी मैं एडजस्ट करने के लिए बोल देता हूँ, भाग गए होंगे आज तो, साला पागल ही बनाता रहता है हर टाइम। कुछ रहा तो नहीं भाई हमारा, क्या ही रहेगा भाई हमारा, फ़ोन रहे, फ़ोन तो हमारे हाथ में ही है। देखो दिमाग मेंटली है, मेंटल हेल्थ इस टाइम आज भी पड़ी है, पूछो मत। भाई ये वाला ताला मुझे बहुत बड़ा लगता है, इसको ना ऐसे ऐसे दबा दो बस लग जाता है। भाई ताला दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं तू चाबी बनवा लोगे, ताले या चाबी भी नहीं दिखाऊंगा तो मैं ताला, क्या बातें कर रहा हूँ भाई मैं ये। अब भाई बंद कर देता हूँ, मैं ज़्यादा देर बोल नहीं पाता। नहीं नहीं लड़की नहीं हो भाई। देखो भाई ये होता है प्यार भाई, अभी अभी तो कुछ नहीं, बहुत तेज हाथ पांव फेंक रहा था, लड़ रहा था। क्या सदान से भाई अपनी बातें कर रहे हो भाई, नहीं भाई। अभी तो भाई अपने पुराने वाले रूम पे आ गया, तो भाई पता है ये है, मैं बताता हूँ, अमूल कूल कोल्ड ड्रिंक से तो अच्छा ही होता है यार। तो भाई पूरी दिल्ली ने पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद गई, हमारे गांव में पता ना भाई कैसे लोग अपने आप बंद कर ले, में यहाँ बहन चल लोग बिजी हैं, तो पानी की टंकियाँ ज़्यादा हो रही हैं, टंकी तो ज़्यादा है यहाँ पे। एक मिनट में लॉक खोल लेता हूँ। भाई मैं तो सो गया था, अभी सो कर उठाऊँ ना, बाहर इतना मस्त मौसम हो रहा है, बस पूछो मत, मत पूछो भाई मुझसे कैसे मौसम हो रहा है, पर मस्त हो रहा है एकदम, ऐसा बारिश पड़ने वाली है। और मुझे और भाई को जाना था शॉपिंग पे थोड़ा, अभी वो ऑफिस में थोड़ा जल्दी निकलने वाला ऑफिस से, वो निकल के मुझे फ़ोन करेगा, मैं पहुँचूँगा, फिर थोड़ा कुछ शॉपिंग करके आएंगे, कपड़े लाने थोड़े, शादी वगैरह में घर पर जाना है अभी एक दो दिन बाद, बारिश थोड़ी देर ना पड़े जब तक हम शॉपिंग करके आए, उसके बाद पूरी रात पड़े, वी डोंट केयर। हाँ सो ही जाते हैं यार, मतलब सो के जाते हैं, तो सो तो उठ गया मैं, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है आज, दर्द चोट पर भी थोड़ी निशान तो रहेगा ये मुझे लग रहा है, चलो देखते हैं। हाँ भाई ये मेरे रूम के पास में एक पार्क है, भरा पड़ा है पूरा, ये आसपास में ना यही एक पार्क है इसलिए ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। दिखाता हूँ बैक कैमरे से, पूरा पार्क है ये, आज तो भीड़ वैसे भी कम है पर रोज बहुत होती है, भीड़ नहीं बिल्कुल भी, बहुत भीड़ है, कुछ नहीं मिला तेरे ना आपका, चलो भाई कुछ तो दिखवा दो, ये तो संडे मार्केट सी लग रही है मुझे आज, है चलो भाई कोई और से चल रहे हैं। अच्छा एक बात बता, मैं तुझे 10 मिनट छोड़,
20 मिनट दूं और 20,000 रुपए दूं, ठीक है? 20 मिनट में 20,000 रुपए खर्च करने हैं और सिर्फ कपड़े पे ही खर्च करने हैं। तो मतलब 20 मिनट में तो कितने खर्च कर सकता है? खर्च करने जरूरी है क्या? खर्च करने हैं ये, जितने बचेंगे नहीं तो वापस मुझे मेरे हो जाएंगे। खरीद लूंगा जो भी मेरे हाथ चढ़ेगा, मोटा मोटा माल, मोटा मोटा माल। लेकिन देने मॉल के अंदर पड़ेंगे क्या? हाँ, हैंड टू हैंड पैसे दूंगा, मतलब 20,000 तेरे हाथ में दूंगा कैश। कर देंगे कुछ, एक आध भी लोग बनाऊंगा ऐसे ही मैं, मतलब अभी नहीं, पैसा दे मॉल में है तो अभी दे ले, अभी तो चल रहा है। बहन तो जिस शोरूम में उसमें भीड़ इतनी है, वो सस्ता वाला था ना। सस्ता तो खैर क्या ही था, सब चीज ठीक ठाक थी, 1,000-1,500 की थी। जूडो में तो बहुत भीड़ थी भाई, मैक्स में नहीं है, मैक्स में है पर थोड़ी है। देखो क्या मिलता है, छपरी लोग मारे, छपरी यहाँ ज़्यादा मारे। जिनसन देखिए कहा उसने चेंज वेंज रूम कर, चेंजिंग रूम में चेंज करके देख रहा है। और भैया बढ़िया हो? अरे कुत्ता बोल रहा है हमारे, लुक सा चेंज कर दिया भाई मैंने, चश्मा लगा के इंटेलिजेंट सा बन गया है ना अंकल, अब पढ़ा लिखा सा हो गया ना चश्मा लगाते ही। ये जींस फिट आ रही है, मैं बहुत सारी ट्राई कर चुका लेकिन ये वाली जींस फिट आ रही है मेरे। अरे कुछ गलत चीज़ में दिख जाना दिक्कत हो जाएगी, वरना है ना कैमरा बंद ही कर लेता हूँ। भाई लाइन लगी हुई इतनी लंबी बिल कराने में, ये लिया भाई हमने थोड़ा सा, एक पैंट इसकी एक पैंट मेरी, और कुछ पसंद ही ना आया। एक शर्ट मुझे पसंद आई थी उसमें बिल काउंटर पे ही 1.5 घंटे की लाइन थी, 1.5 घंटा लग जाता तो मैं रख के आ गया। सही करा ना मैंने, बिल्कुल बढ़िया है ना। अब भाई कुछ भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। भैया रोल गप्पे बना दो वाले, एक प्लेट सूजी के पैकेट खाने वाले। रात हम मॉल गए थे और आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे किसी और दिन छुट्टी लेनी है, इसलिए आज ऑफिस जाके चला जाता हूँ, फिर किसी और दिन छुट्टी ले लूँगा। ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मैं डाल दूँगा इसे आज एडिट करके शाम को या फिर कल मॉर्निंग में। बाय बाय।